हेलो भैया, वो आपके यहाँ वो कल सर्वेंट आया नहीं था सब्जी लेने, वो कुछ सब्जियाँ भूल गया, तो ये खीरा कैसे दिया है? 60 रुपये किलो। तो ये कौन सा खीरा है? इंग्लिश खीरा, इसको चाइनीज खीरा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आधा किलो ये दे देना और आधी किलो टमाटर दे दो। बस स्टॉप कर देंगे। दो तीन आप नींबू भी डाल देना। आपके यहाँ की सब्जी बहुत अच्छी होती है और ताजी होती है, फ्रेश होती है, रेट अच्छे होते हैं आपके, और हमें पास भी पड़ता है घर के। तो ये क्या कर रहे हैं सड़क पर? कभी लड़कियों को देखा नहीं है क्या? हाँ, कब से आप मेरा पीछा कर रहे हो? जब से आपको देखा। मतलब तुम्हारा? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे कभी मेरे को जानते ही नहीं हो। याद करो, एक बार मैं और आप मॉल में मिले थे। मैं और तुमसे मिली? यस, तभी तो अभी पहचान लिया मैंने। कब से आप मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे पता था कि तुम ऐसे ही बोलोगे। प्लीज, मैं आपको नहीं जानती। और हाँ, कुछ कानून घर से पढ़कर चलो ब्रो। आपको महिलाओं के कानून नहीं पता? किसी लड़की का पीछा करने पे कौन सी धारा लगती है? हाँ, तुम लड़कियों का पीछा घर से कर कर के मॉल में देखा, पिक्चर हॉल में देखा, और उनका पीछा करने लग जाते हो। आजकल के लड़कों को यही सजा मिलनी चाहिए कि उनको अपने कानून मालूम होने चाहिए। नारी को अपने कानून, तुम जैसे लड़कों को अगर मैंने जेल ना कराई फिर देखना। तो मैं कौन सा तुम्हारा पीछा करूंगा? मैं तो देखना चाह रहा था कि तुम मेरे मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। मैं भी ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो। वैसे आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह से कभी किसी के लड़की का या किसी औरत का पीछा नहीं करना चाहिए। बहुत आपने सही कहा, थैंक यू सो मच। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़।